आगे बढ़ते हुए टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक मुड़ा पांडे स्थित अक्का डिलारी गांव पड़ा। लगभग 4200 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान शबनम बेगम है। लगभग 3800 की कुल वोटर संख्या वाला यह गाँव बेहतर तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सभी तरीके के लाभों को पात्रों को मुहैया कराया जा चुका है। वहीं अगर बात शिक्षा की करें तो इस गांव में जूनियर हाई स्कूल नदाराधी दिखाई दिया, लेकिन प्राइमरी पाठशालाओं में लगभग 504 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। गांव में पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा 65 हैंडपंप भी लगवाए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति में किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। वहीं बिजली की व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से गांव में 700 बिजली के पोल व 16 बिजली के ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम द्वारा जब प्रधान के कार्यों की समीक्षा की गई तो पाया गया कि ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया है, इसी के साथ शौचालयों का निर्माण कराकर गांव को शौचमुक्त बनाने में भी अपनी भागीदारी पेश की है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी आवासों का आवंटन भी पात्रों को किया जा चुका है। उनके द्वारा गाँव में 16 लाइटें भी लगवाई गई है, जिससे ग्रामीणों को किसी अंधेरे का सामना न करना पड़े। एबीपीएस टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक प्राइमरी पाठशाला, एक आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट आदि की व्यवस्था दुरुस्त कराएं, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से जूझना ना पड़े। मैं प्रधानपति उस्मान अली अक्का डिलारी ग्राम पंचायत अक्का डिलारी ब्लॉक मुड़ा पांडे से, हमने जो कार्य कराए हैं सड़कें बनवाई हैं और स्कूलों में जो है चार दीवारी और उसकी मरम्मत और जो वॉल पेंटिंग वगैरह सब हमने कम्प्लीट करा रखी है, शौचालय भी बनना है और जो कामों की थोड़ी समस्या ये है कि एक तो हमारे वहाँ शमशान घाट की बहुत जरूरत है, स्वास्थ्य केंद्र भी है हमारे वहाँ, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और जो भी मतलब ये है कि ग्राम पंचायत बड़ी है उसके हिसाब से पैसा नहीं है, काम बहुत है, कुछ काम कराए भी हैं और बाकी काम जो रहे हुए हैं उन्हें कराने की कोशिश चल रही है, जैसे जैसे पैसा उसे पूरा करा जाएगा।